नमस्कार, मैं रश्मि दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। बचपन के कुछ खूबसूरत खट्टे मीठे पलों की यादें हैं मन में, जिनको कहानी के रूप में पिरोने की कोशिश करी है। लालसा। मेरी उम्र 9-10 साल के करीब रही होगी। मैं अपनी मौसी के यहाँ पढ़ा करती थी। काफ़ी बड़ा परिवार था मौसी का। सच पूछिए तो मुझे वहाँ अच्छा लगता था। सब बहनों के साथ दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। वहाँ महीने का राशन एक साथ आता था। कई बार मैं देखती सब राशन तो नीचे किचन की अलमारी में डिब्बों में सेट कर दिया जाता था, पर एक डिब्बा था जिसको किचन में अलमारी के ऊपर बने ताखे में रख दिया जाता था। मैं कई बार उधर से गुजरते उस डिब्बे को देखती। मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे वो डिब्बा मुझसे छुपा के रखा गया है। मैं उस डिब्बे को रोज़ देखती और सोचती ऐसा क्या हो सकता है इस डिब्बे में जो इसे सबसे ऊपर ताखे में रख दिया जाता है। शायद बाल मन की लालसा थी ये। एक दिन घर के सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। मौका पाकर मैं किचन की शेल्फ पर चढ़कर उस ताखे तक पहुंच गई। मैंने डिब्बा उठाया और खोला तो उसमें सफ़ेद पाउडर जैसी कोई चीज़ थी। मैंने चम्मच से उसे अपने मुंह में डाल लिया और जैसे ही मैंने मुंह में डाला मेरी आंखों से और नाक से पानी निकलने लगा। देखिए, जिस डिब्बे के लिए इतनी लालसा थी मेरे मन में और जिसके लिए मैं चोरी करने को तैयार हो गई। कुछ वक्त बाद पता चला कि वो इनो फ्रूट सॉल्ट था। तो देखा, बाल मन में कई तरह की लालसा उत्पन्न होती हैं। कभी कभी हम बच्चे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जैसा मैंने किया। बच्चों को समझाएं कि चोरी करना बुरी बात है, कल भी और आज भी। ये मेरी जीवन की पहली और आखिरी चोरी थी। ऐसे ही कुछ और कहानियां आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।